Hello students and welcome back to BankExamsToday.com. My name is Ramandeep Singh. Students, I hope you have already started your preparation for SBI CBO 2023 exam. Government schemes are very important for your exam students. In last year, like five to six questions were asked from the government schemes only. But he basic questions and some of the questions I'm going to discuss today as well. Uh, today we are going to do a question bank. Proper hum jo questions karenge with explanations.

मंथ फॉर बी एस बी डी अकाउंट होल्डर्स फोर विद्रॉल्स आर अलाउड इंटरेस्टिंगली लास्ट है इसमें से क्वेश्चन आया था ये क्वेश्चन आया ये एग्जैक्टली क्वेश्चन आया था क्वेश्चन आया था कि बी एस बी डी ये इसकी फुलफॉर्म क्या है तो वेरी बेसिक क्वेश्चन वाज आज इन द प्रीवियस पेपर बी एस बी डी ए की फुलफॉर्म क्या है तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं बहुत बार फुल फॉर्म क्या है अब बहुत ही टिपिकल डिफिकल्ट एक्सपेक्ट करके जाते हो पेपर को कई बार बहुत सारे क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं ठीक so, है सो बी एस बी डीए की फुलफॉर्म आई थी मैक्सिमम जो विद्रॉल्स हैं फोर विड्रॉल्स आर अलाउड वट इज द नेम ऑफ आउटलेट वेयर बी एस बी डी ए अकाउंट कैन बी ओपन बाई अ पर्सन नॉट अकाउंट बैंक मित्र आउटलेट पे बैंक बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट और बैंक मित्र आउटलेट पे जो जो है अपना अकाउंट खोल सकते हैं सो व्हाट इज द कंडीशन फॉर ओपनिंग अ बी डी एकाउंट इट अ जीरो बैलेंस अकाउंट इफ यू हैव एनी अदर सेविंग बैंक अकाउंट इन एनी अदर बैंक यू नीड टू क्लोज दैट विद इन थर्टी डेज ऑफ ओपनिंग द बी एस बी डी अकाउंट तीस दिन के अंदर आपको अपना जो दूसरा सेविंग अकाउंट बंद करना पड़ेगा इफ यू नीड द बी एस बी डी अकाउंट वट इज इन बिल्ड एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर ऑफ रूपे डेबिट कार्ड प्रोवाइडेड बाय पी एम जन धन योजना दो लाख रुपये का इंश्योरेंस मिलता है पहले एक लाख रुपये मिलता था ठीक है आई होप दैट इज ऑलरेडी क्लियर टू यू सो ओडी फैसिलिटी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अंडर प्रधानमंत्री जन धन योजना कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट मैक्सिमम ओवरड्राफ्ट लिमिट इज नॉट इज इज इट ट्वेंटी थाउजेंड इट्स टेन थाउजेंड आई गेस ओके इट्स नॉट ट्वेंटी थाउजेंड एज लिमिट एटीन टू सिक्सटी फाइव इट यूज टू भी एटीन टू सिक्सटी बट नाउउ ए सिक्सटी फाइव सो दो हजार रुपये तक के ओडी तक को, पर कोई कंडीशन नहीं है देर इज नो कंडीशन फॉर ओडी अप टू टू थाउजेंड रुपीज सो सेकंड एंड थर्ड इज करेक्ट द फर्स्ट वन इज फॉल्स बिकॉज दस हजार रुपये तक का जो है दैट इज अलाउड मैक्सिमम लिमिट इज टेन थाउजेंड रुपीज ओके यू कैन रीड इट इफ यू वॉन्ट टू डिटेल में विद रेफरेंस टू प्रधानमंत्री मुद्रा योजना विच इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स लॉन्च बाय द पी एम मोदी ऑन एट्थ ऑफ अप्रैल ट्वेंटी फिफ्टीन सो दस लाख रुपये तक का लोन फॉर नॉन फार्म एक्टिविटीज नॉन फार्म नॉन कॉरपोरेट नॉन फार्म नॉन कॉरपोरेट माइक्रो एंटिटीज इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज़ आप नॉन uh, फार्म जो नॉन एग्रीकल्चर इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज़ के लिए यह है लोन आप ले सकते हो अप टू टेन लाख रुपीज़ द फार्मर्स दे कैनॉट अवेल दिस लोन फार्मर्स ये लोन अवेल नहीं कर सकते सो फर्स्ट एंड द सेकेंड स्टेटमेंट आर करेक्ट थर्ड वाली करेक्ट नहीं है हु इज एलिजिबल टू अवेल मुद्रा लोन एन इंडियन सिटीजन हु हैज अजनस प्लान फॉर अ इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी सो इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी नॉन फार्म फार्मर्स नहीं ये ले सकते शुड बी एन इंडियन सिटीजन एटीन टू सिक्सटी फाइव का एज है सेटिसफैक्ट्री क्रेडिट रिकॉर्ड मस्ट नॉट बी अ डिफॉल्टर ई शुड पोजेस असरी स्किल्स टू रन द बिजनेस एप्लीकेट शुड हैव अस प्लान प्रोजेक्ट रिपोर्ट द मुद्रा लोन डज नॉट रिक्वायर एनी कोलेट्रल कोई कोलेट्रल की जरूरत नहीं है ठीक है सिक्सटी फाइव इन मैक्सिम मिनिमम एटीन ईयर्स का एज चाहिए नेम ऑफ द पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मुद्रा दैट इज सिडबी इज द पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मुद्रा ओकेट्स मूव फॉरवर्ड विच ऑफ दीज इंस्टीट्यूशन इज नॉट एलिजिबल टू अवेल री फाइनेंस

in principle approval then there you can apply for the loan <coughs> <coughs> sorry uh, which of the following institution do not directly lend to micro enterprises or individuals mudra they do not directly uh, lend na? mudra they do not uh, lend directly okay they refinance which organization provides credit guarantee fund for the micro units national credit guarantee trustee company very important question what is the premium amount एन एम पर मेंबर फॉर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना चार सौ छत्तीस रुपए फोर थर्टी सिक्स रुपीज इज दीमियम अमाउंट पर मेंबर पर एन ओके सो इफ योर एज इज बिटवीन एटीन टू फिफ्टी ईयर यू कैन जॉइन द स्कीम ओके द मैक्सिमम एज लिमिट टू ज्वाइन इज 50 ईयर्स ओके बट यू हैव ऑलरेडी ज्वाइन दू कैन पे द प्रीमियम टिल फिफ्टी फाइव इज अगर आपने पहले ज्वाइन किया हुआ है ज्वाइन uh, करने की मैक्सिमम एज इज फिफ्टी स्कीम में बने रहने की मैक्सिमम एज इज फिफ्टी फाइव ओके द लीन पीरियड इज थर्टी डेज इज लीन पीरियड इफ समी टेक्स द इंश्योरेंस एन ही डाइज विद इन टेन ट्वेल्व डेज तो उसको जो है कवर नहीं मिलेगा पॉलिसी <coughs> में एंटर होने के थर्टी डेज बाद आपको जो है कवर मिलता है ठीक है दैट इज लीन पीरियड यू शुड नो वट इज लीन पीरियड वट इज द बेनिफिट पेबल इन द इवेंट ऑफ डेथ ड्यू टू एनी कॉज अंडर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना दो लाख रुपये का कवर है ठीक है एंड वॉट इज द कंडीशन फॉर री इंस्टेटिंग द इंश्योरेंस कवर अंडर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना इफ सीज इफ इट इज सीज ड्यू टू इन सफिशेंट बैलेंस और एग्जिट फ्रॉम द स्कीम तो उसको री इंस्टेट कैसे करना है अगर आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं था आपकी जो है प्रीमियम नहीं कटा देंबर हैज टू पे अप्रोप्रिएट प्रीमियम एंड द कवर एंड द कवर विल बी ट्रीटेड एज फ्रेश विदर्टी डेज लीन कॉज अगर आपने पिछला प्रीमियम नहीं दिया तो आप अभी अपना प्रीमियम दें एंड विल बी थर्टी डेज लीन क्लॉज अगेन एप्लीकेबल होगा वो ठीक है लीन क्लॉज आई होप यू आर अवेयर थर्टी डेज तक आपको कोई कवर नहीं मिलेगा प्रीमियम पे करने के वॉट इज द मैक्सिमम एनुअल रिन्यूअल एज फॉर द प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना फिफ्टी फाइव ईयर्स पचास तक कर सकते हो प्रीमियम पचपन तक देते रहिए कवर आपको मिलेगा। लेकिन 50 के बाद आप नहीं कर सकते प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना सेकेंड पॉलिसी वुड भी फोर फीटेड प्रीमियम दबा लेंगे दो पॉलिसीज आप नहीं ले सकते <coughs> I'll be bringing even more questions for you. Uh, I, I'll try to make short videos. More questions, 20, 30, 40 questions, Rosanna provide Karunga for SBA CBO exam. You can join the full course. The link is available in the description. We are providing video classes, notes, quizzes, test series, uh, and interview preparation guidance. Everything is part of the course. Descriptive paper preparation is included in the course. And that's I guess all for today, students. I hope you like the today's session. If there is any doubt in your mind, you can ask your doubts. This is a list of our successful students who took our courses in the past and they cracked their respective exams. I am really, really happy for them. If there is any doubt in your mind, please ask your doubt on my WhatsApp number. Let me write my WhatsApp number here. So 9067201000. And that's my WhatsApp number where you can ask your doubts, and I am going to answer your doubts. So thank you and have a very nice day students. Bye bye.